सुप्रभात, हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आशा आज आपके लिए एक और नया अध्याय लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है कवि देव के सवैये, की जो कि हमारे क्षितिज पुस्तक के काव्यखंड से लिए गए हैं। तो यहाँ पर हम सवैया प्रारंभ करने से पूर्व जानते हैं कि आखिर सवैया होता क्या है। सवैया एक वार्णिक छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में कम से कम 22 और अधिक से अधिक 26 वर्ण होते हैं, अर्थात 22 से लेकर 26 वर्ण जिसमें हो वो सवैया छंद कहलाता है, जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है और 22 से 26 वर्ण होते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके व्याख्या भाग की ओर, क्योंकि परीक्षा में हमारे काव्य सौंदर्य पूछा जाता है और भाव सौंदर्य, तो भाव सौंदर्य में हम उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। एक और लाभ होगा इसका विस्तार से चर्चा करने का कि हम यहाँ पर जो भी व्याख्या करते जाएंगे उस व्याख्या के आधार पर अगर प्रश्नोत्तर आते हैं तो उन प्रश्नोत्तर का भी आप बहुत अच्छी प्रकार से जवाब दे सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कवि देव के सवैया में, इस सवैये में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि कवि देव जो है कृष्ण की भक्ति में लीन है और यहाँ पर कृष्ण की भक्ति के करते करते वो कृष्ण के सौंदर्य को दिखाते हैं। क्या बताते हैं कवि देव, क्या कहते हैं? पायनी नुपुर मंजू बजे। पायनी मतलब पैरों में, नुपुर मतलब होता है घुंघरू, मंजू मतलब सुंदर, बजे मतलब बजते हुए। कि क्या कहते हैं कवि कि श्री कृष्ण के पैरों में बंधे हुए जो घुंघरू हैं और जब वो घुंघरू बजते हैं तो उनकी जो धुन है वो बहुत सुंदर प्रतीत होती है। कटी किंकिनी कह ध्वनि की मधुराई। कटी मतलब होता है कमर, किंकिनी एक प्रकार का आभूषण होता है जिसे करघनी बोला जाता है, जो कमर पर धारण किया जाता है और उसमें घुंघरू होते हैं। जब बच्चा जब चलता है तो उसमें से छन छन की आवाज सुनाई देती है। तो कवि क्या कहते हैं कि कटी किंकिनी, कटी मतलब होता है कमर, किंकिनी मतलब करघनी जो आभूषण कमर पर पहना जाने वाला आभूषण है, कह ध्वनि मतलब की ध्वन की मधुराई की मधुरता की जो उन्होंने कमर पर आभूषण पहना हुआ है उसकी धुन मधुर सुनाई देती है, अर्थात मधुर प्रतीत होती है। तो ये वाली पहली वाली पंक्ति का क्या अर्थ होगा कि श्री कृष्ण के पैरों में बजते हुए घुंघरू सुशोभित होते हैं या सुंदर लगते हैं और कमर पर जो उन्होंने आभूषण पहना हुआ है उसकी धुन मधुर सुनाई देती है, अर्थात जब श्री कृष्ण चलते हैं तो कमर पर जो करघनी उन्होंने बांधी हुई है उसकी जो धुन सुनाई देती है तो वो अत्यंत मनोहर लगती है, मन को हरने वाली लगती है, अत्यंत मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आगे हम चलते हैं। सांवरे अंग लसे पट पीक। सांवरे मतलब सांवले, अंग मतलब शरीर पर, लसे मतलब सुशोभित होते हैं, पट पीक, पट मतलब होता है पीक वस्त्र और पीक मतलब होता है पीला। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ कि उनके सांवले अंगों पर लसे मतलब सुशोभित होते हैं, पट मतलब पीले वस्त्र, की सांवले अंगों पर पीले वस्त्र सुशोभित होते हैं। ये पुल से मन माल सुहाई, ये मतलब हृदय पर, पुल से मतलब प्रसन्न होती है, वन माल मतलब होती है कि वन के फूलों की माला, की जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं और वो जिसे वैजंती माला के नाम से भी जाना जाता है और जो घुटनों तक लंबी होती है, कि ऐसी माला सुशोभित होती है। क्या है कि उन्होंने सांवले अंगों पर तो पीले वस्त्र सुशोभित होते हैं और उनके हृदय पर वन के फूलों की माला सुशोभित होती है। अब आगे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल। माथे मतलब मस्तक पर, किरीट मतलब मुकुट, बड़े द्रग मतलब होता है नेत्र, नेत्र का पर्यायवाची होता है, और चंचल मतलब चंचल, बहुत चंचल या नटखट। क्या है कि उनके माथे पर मुकुट सुशोभित हो रहा है और उनके बड़े बड़े चंचल नयन है जो एक स्थान पर स्थिर नहीं होते हैं। मंद हसी मुख चंद्र जुनहाई। मंद मतलब होता है धीमी, धीमी हसी है, मुख चंद्र मतलब चंद्रमा रूपी मुख पर, जुनहाई मतलब चांदनी, कि जैसे चांदनी सुशोभित होती है, चांद की चांदनी सुशोभित होती है, वैसे ही उनके चंद्रमा रूपी मुख पर धीमी
हंसी चांदनी के रूप में सुशोभित होती है। आगे कवि कह देते हैं कि यहाँ पर इनका रूप सौंदर्य दिखाने के बाद कवि को ये लगता है कैसा प्रतीत होता है, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय, कि कृष्ण कैसे लग रहे हैं जग मंदिर संसार रूपी मंदिर के दीपक के रूप में सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय। और कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण ब्रज के दूल्हे के रूप में सुशोभित हो रही है। जब मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय, कि वो क्या लगते हैं कि संसार रूपी मंदिर के दीपक के रूप में सुशोभित है। कौन सुशोभित है? श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय। कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण दूल्हे के रूप में सज धज कर इस संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात जिस प्रकार से दीपक प्रकाश फैलाता है उसी प्रकार से श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य भी संपूर्ण संसार को आलोकित कर रहा है, संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर रहा है, कि उनका रूप सौंदर्य दीपक की भांति प्रकाशमान है। तो यहाँ पर हमने इसकी व्याख्या देखी बच्चों। अब हम आते हैं हमारे काव्य सौंदर्य पर, और परीक्षा में क्या आता है हमारा भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य। भाव में तो हमने क्या कर लिया, इसका हमने मीनिंग कर लिया सारा, कि हमने इसका मतलब जान लिया, इसकी व्याख्या कर ली हमने। अब आते हैं हम काव्य सौंदर्य पे। काव्य सौंदर्य में हम क्या क्या चीजें करेंगे, भाषा छंद अलंकार रस गुण। कि भाषा कौन सी हुई, शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें तत्सम तद्भव प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है, शुद्ध परिनिष्ठित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद कौन सा है ये, जैसा कि हमारा शीर्षक है, शीर्षक से आप ध्यान रख लोगे कौन सा है, सवैया छंद। और सवैया छंद में मैंने क्या बताया था आपको, जिसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। आगे आता है हमारा अलंकार कौन से है, जिसमें अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार की पहचान करना तो बहुत सरल है, क्या है कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, अर्थात एक ही वर्ण बार बार प्रयोग किया जाता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो कटी किंकिणी में क्या है, क वर्ण प्रतीत हो रहा है, क वर्ण की आवृत्ति है, तो कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार। पट पीत में प वर्ण है, यह उनसे में ह वर्ण की है। तो आप वहां पर लिखेंगे परीक्षा में कि आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो जो हमारे परीक्षाएं जांच करेगा उसे भी तो पता होना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो हम पूर्ण जानकारी के आधार पर लिख रहे हैं। क्या है कि कटी किंकिणी, आप ये लिखेंगे परीक्षा में कि कटी किंकिणी में क वर्ण की आवृत्ति, पट पीत में प वर्ण की आवृत्ति, ये हुंसे में है वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और इसमें है रूपक अलंकार, मुख चंद्र मतलब चंद्रमा को, यानी कि मुख को चंद्रमा का रूप लिया गया है, कि चेहरा चंद्रमा का रूप है। और क्या होगा, जग मंदिर, कि संसार को मंदिर के रूप में लिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पांच स्थान पर अलंकार है, कटी किंकिणी, पटपीत, ये हुंसे में अनुप्रास, और मुख चंद्र और जग मंदिर में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस कौन सा हुआ इसमें, भक्ति रस, क्योंकि कवि देव जो है श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। आगे आता है माधुर्य गुण का समावेश है, क्योंकि मधुरता गुण बातें कही गई है। और इस काव्यांश से संबंधित हम प्रश्नोत्तर चर्चा भी कर लेते हैं, ताकि आपको ये प्रश्नोत्तर अच्छे प्रकार से याद हो जाए। तो सबसे पहले हम प्रश्न की ओर आते हैं कि कवि देव कौन से काल के कवि है, कवि देव रीति काल के कवि है। अगला प्रश्न है कि कविदेव ने सवैये में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर भाषा कौन सी लिखी हुई है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण ने नोपुर कहाँ पहने हैं, श्री कृष्ण ने नोपुर क्या होता है, घुंघरू, पाजे, पायल कहाँ पहनी हुई है, पायनी मतलब पैरों में, कि श्री कृष्ण ने घुंघरू पैरों में पहने हुए है। और श्री कृष्ण ने कटी पर क्या पहना हुआ है, किंकिणी, किंकिणी क्या बताया था मैंने, करधनी एक प्रकार का आभूषण होता है जो कि कमर पर पहना जाता है, कटी का मतलब होता है कमर और किंकिणी का मतलब होता है आभूषण। आगे है हमारे प्रश्न, किंकिणी कहाँ पहनने वाला आभूषण है, वही जो चीज मैंने अभी बताई है, किंकिणी कहाँ पहनते हैं, कमर पर। जुनहाई शब्द का क्या
क्या अर्थ है? जो नहाई यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है चांदनी, कि जिस प्रकार से आसमान में चांदनी सुशोभित होती है उसी प्रकार से श्री कृष्ण के मुख पर धीमी धीमी हंसी सुशोभित हो रही है। अगला प्रश्न है, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय में देव शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पर प्रयोग किया है, मैंने आपको शब्दार्थ बताया तो देव का क्या बताया था कि कवि देव कहते हैं, कि श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय की कवि देव का नाम है। यहाँ पर स्पाइनी नुपुर मंजू बजे सवैये में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता दोगे, किसके सौंदर्य का वर्णन है? श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर क्या सुशोभित हो रहा है? सांवले यहाँ के लसे पट पीत, पट मतलब वस्त्र, पीत मतलब पीले, की पीले रंग के वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। और श्री कृष्ण के माथे पर क्या सुशोभित हो रहा है? किरीट, किरीट का अर्थ होता है मुकुट। ये वाला प्रश्न बच्चों ध्यानपूर्वक याद करना, कि ये वाला प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया है कि किरीट का मतलब क्या होता है। किरीट का मतलब होता है मुकुट, और मुकुट कहाँ पहनते हैं हम? सिर पर, माथे पर, कि माथे पर मुकुट है। कवि ने जब मंदिर सुंदर किसे कहा है? यहाँ पर जब मंदिर सुंदर कौन है? श्री कृष्ण है। मंद हंसी मुख चंद्र जो नहाए, जो नहाए का क्या अर्थ होता है? ये वाला प्रश्न हम कर चुके हैं, दोबारा से आ गया है कि जो नहाए का अर्थ होता है चांदनी। श्री कवि ने श्री ब्रज दूल्हे किसे कहा है? यहाँ पर श्री कृष्ण को श्री ब्रज दूल्हे कहा गया है। अब हम बढ़ते हैं कवि देव के दूसरे काव्यांश की ओर, जो कि है कवित्त छंद में। पहला किया था हमने सवैया छंद में, लेकिन ये है कवित्त छंद में। तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या करते हैं, उसके बाद काव्य सौंदर्य और इससे संबंधित इसके प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे। तो इसकी व्याख्या देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कविदेव में? यहाँ पर जो बसंत ऋतु आती है, तो बसंत ऋतु का मानवीकरण एक बच्चे के रूप में किया गया है। जब बसंत ऋतु आई तो वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन सभी को कविदेव ने एक बच्चे के माध्यम से दर्शाया है, कि बच्चा किस प्रकार से खुश होता है, बच्चा किस प्रकार से जागता है, बच्चे की नजर कैसे उतारी जाती है, इन सभी चीजों को उन्होंने चित्रित किया है। तो कविदेव क्या कहते हैं? डार द्रोम पलना पिछौना, कि यहाँ पर जो बसंत ऋतु आती है, तो बसंत ऋतु में क्या होता है कि नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल उगते हैं, वातावरण सुगंधित हो उठता है। तो क्या कहा है कवि ने? डार मतलब डाली, द्रोम मतलब होता है पेड़, पलना पालना जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है, बिछौना कि जो पालने के अंदर जो छोटा सा वस्त्र उसमें डाला जाता है जो बिछौने का, ताकि बच्चे को आराम मिल सके, बच्चे को कोमलता का एहसास हो सके। बिछौना नव मतलब नए, पल्ला मतलब पत्ते के। तो अब कवि कहते हैं कि डार द्रोम मतलब पेड़ की डाली को पालना बनाया गया है, और उसमें बिछौना कैसा है? नए नए पत्तों का, कि जैसे बच्चे के लिए पालना बनाया जाता है और उसमें नरम वस्त्र डाला जाता है, उसी प्रकार से जब पेड़ पर नए नए कोमल कोमल पत्ते आ जाते हैं, तो कवि ने ये कल्पना की कि पेड़ की डाली तो बच्चे का पालना हो गई, और उस पर जो पेड़ पर उगने वाले जो कोमल कोमल से नए नए से जो पत्ते होते हैं वो बच्चे का बिछौना हो गया। आप क्या कहते हैं कवि? अब पेड़ पर पत्तों के साथ साथ फूल भी आए हुए हैं, तो फूल का किस प्रकार से मानकीकरण किया है कवि ने? कि सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दै, कि सुमन मतलब होता है फूल, झिंगुला होता है ढीला डाला वस्त्र, सोहे मतलब सुशोभित होता है, तन मतलब शरीर की छवि, शोभा को भारी हुए मतलब दुगना कर रहा है। अब पेड़ पर जो नए नए फूल आए हुए हैं, तो कवि ने ऐसा उसको चित्रित किया है, इस प्रकार से उसको चित्रित किया है कि जो फूल है वो उस बच्चे के, कौन से बच्चे के? वसंत रूपी बालक के, कि ढीले ढाले वस्त्र है जो उसकी शोभा को, जो उसके शरीर की शोभा को और अधिक बढ़ा रहे हैं। पवन झुलावे, अब क्या करें कि बच्चे को झूला भी झुलाया जाएगा, अगर अकेले वो पालने में लेटा रहेगा तो वो रोने लगेगा। अब जैसे ही हवा चलती है, तो कवि ने ये कल्पना की कि जो पवन है वो उसको झूला झूला रही है, और केकी कीर बतरावे देव, केकी मतलब होता है मोर, कीर मतलब होता है तोता,
बतरावे मतलब आपस में बातें करते हैं कवि देव कि कवि देव कहते हैं कि जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि पवन उस बच्चे को बसंत रूपी बच्चे के पालने को झुला रही हो और केकी मोर और तोता आपस में बातें करके उस बच्चे का मन बहला रहे हैं। कोकिल हलावे फुल सावे कर ताली दे। और जब जैसे हम किसी बच्चे से बात करते हैं, बात करते करते उसके साथ ऐसे ताली बजाकर उसका मन बहलाने का प्रयास हम करते हैं, वैसे ही जब मोर और तोता बोल रहे हैं उसी समय पर ही कवि को कोयल की भी आवाज सुनाई दे रही है। तो उस कोयल की आवाज से कवि ने क्या अनुभव किया कि ऐसा लगा जैसे कोयल उन मोर और तोते की बातों में मिठास घोल रही हो। जैसे ताली बजाकर मिठास बोली जाती है, वैसे ही कोयल की आवाज जो है उनकी बातों में मिठास घोलने का कार्य कर रही, क्योंकि कोयल की तो आवाज ही मधुर होती है, तो मधुर के संदर्भ में कि वो मिठास घोल रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नो। अब पराग क्या होता है कि फूलों का जो मकरंद होता है, फूलों की जो खुशबू होती है कि वो खुशबू पूरे वातावरण में पूरी तरह से फैल गई है। अब उस खुशबू को कवि ने बच्चे से किस प्रकार से संबंधित किया है कि जैसे माँ जो है ये सोचती है कि कहीं बच्चे को नजर ना लगी हो, तो वो क्या करती है माँ, उसकी राई और नमक से, नॉन मतलब होता है नमक, की राई और नमक से उस बच्चे की नजर उतार रही है। और वो नायिका कौन है कि यहाँ पर बच्चे की माँ के रूप में किसको लिया गया है, कंजकली नायिका लतान सिर साड़ी दे। अब कंजकली है और उसको नायिका के रूप में लिया गया है और वो क्या करती है, उस कली के साथ साथ एक लता भी वहां पर उगाई है। तो कवि ने ऐसी कल्पना की जैसे वो लता रूपी साड़ी को सिर पर रखकर, कंजकली रूपी नायिका लता रूपी साड़ी को सिर पर रखकर उस बच्चे की राई और नमक से नजर उतार रही है। अब वो बच्चा किसका है, मदन पहीर। क्या मदन कामदेव, महीर मतलब राजा, कि यहाँ पर कामदेव को राजा के रूप में लिया गया है और बसंत रूपी जो बालक है वो उसी कामदेव का पुत्र है। जो वो बालक ही ऐसा लगता है कि जैसे वो राजा कामदेव का पुत्र हो। कौन को क्या नाम है उसका, बसंत। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रातः ही मतलब सुबह सुबह, जगावत मतलब जगाते हैं, गुलाब चटकारी दे। जब गुलाब का फूल बनने से पहले क्या होता है, वो कली होती है और कली जैसे ही उस पर प्रभात की किरणें पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती है, तो वो चटक की ध्वनि के साथ फूल में परिवर्तित हो जाती है। तो जब वो कली फूल में परिवर्तित हो रही है चटक की ध्वनि के साथ, तो कवि ने क्या कल्पना की कि जो गुलाब है वो चुटकी बजाकर बच्चे को सुबह सुबह जगाने का प्रयास कर रही है। कि जैसे माँ जो है वो चुटकी बजा कर बच्चे को उठाने का प्रयास कर रही है, वैसे ही गुलाब का फूल जो है चटक की ध्वनि के साथ जब खुलता है, तो कवि ने ऐसी कल्पना की कि गुलाब उस बच्चे को, कौन सा बच्चा है वो, मदन मही राजा कामदेव का पुत्र है, कौन है वो, बसंत, की उसे जगाने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर समझ आया बच्चों कि हमने क्या किया कि कवि देव क्या चित्रण करना चाहते हैं, वसंत ऋतु का चित्रण करना चाहते हैं, लेकिन वसंत ऋतु को उन्होंने एक बच्चे के रूप में चित्रित किया है और वो बच्चा है वसंत। उसके वो किसका पुत्र है, राजा कामदेव का पुत्र है। और कंजकली रूपी नायिका को उसकी माँ के रूप में चित्रित किया गया है कि वो लता रूपी साड़ी को सिर पर रखकर उस बच्चे की नजर उतार रही है। कि जैसे वसंत ऋतु आने पर पेड़ पौधे खिल जाते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल आ जाते हैं और उन फूलों की खुशबू ऐसे वातावरण में फैल जाती है कि संपूर्ण वातावरण जो है वो सुगंधित हो जाता है। तो इसीलिए कवि ने एक बच्चे के रूप में यहाँ पर कल्पना की है। अब इस काव्यांश का हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में क्या आएगा कि जैसे कविता की सुंदरता, कविता की सुंदरता किस किस चीज में होगी, तो यहाँ पर वो चीजें हम यहाँ पर वर्णन करते जाएंगे। सबसे पहले आता है हमारा भाषा। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है।
और छंद कौन सा है, कि जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, छंद कौन सा है यहाँ पर, कवित्त छंद है। और अलंकार, सबसे पहले हम आसान अलंकार देखेंगे। हम कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, कि के की कीर में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, हलावे गुलसावे में अनुप्रास, और आगे है मदन महिल, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और भाषा में एक और चीज, कि इसमें वसंत ऋतु को किसके रूप में चित्रित किया गया है, बालक के रूप में चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर बसंत का मानवीकरण किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार हो गया। और गुण इसमें कौन सा समाहित होगा, इसमें माधुर्य गुण का समावेश किया गया है। अब हम करते हैं कविदेव का दूसरा कवित्त। कवित्त एक छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में 31-31 वर्ण होते हैं। कवित्त एक वार्णिक छंद है और जिसके प्रत्येक चरण में यदि हम वर्णों की गिनती करते हैं तो उसमें 31 वर्ण होते हैं, 15 या 16 पर यति होती है। यति मतलब होता है विराम। तो अब हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। यहाँ पर कवि देव ने चांदनी रात के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि देव ये कहते हैं कि जैसे जो पूर्णिमा की रात होती है, जब चांद पूरा आसमान में पूर्ण रूप से दिखाई देता है, उस समय पर जो रोशनी चारों तरफ फैली हुई है, जो वातावरण सुरम्य बन पड़ा है, उस तरह यहाँ पर कवि ने उस सौंदर्य को यहाँ पर कवि ने चित्रित किया है। तो चांद की रोशनी आसमान के साथ साथ पृथ्वी को भी आलोकित कर देती है। तो यहाँ पर कविदेव क्या कहते हैं, फटिक सिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर। फटिक एक प्रकार का सफटिक पत्थर होता है, कि जो कि जिसे हम आर पार देख सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शक होता है। सफटिक नाम का एक पत्थर होता है, उसकी शिलाओं से सुधारो सुधा मंदिर की अमृत रूपी मंदिर का निर्माण किया गया है। कि एक ऐसा मंदिर है जो कि सफटिक पत्थर से बनाया गया है, जो कि पारदर्शक है, और उससे अमृत रूपी मंदिर का निर्माण किया गया है। अब यहाँ पर आप आगे देखना कि कवि ने जो जो भी जिस जिस भी चीज से तुलना की है, वो सारी चीजें सफेद है। क्यों सफेद है, क्योंकि चांदनी रात का वर्णन कर रहे हैं। और चांदनी रात क्या होती है, श्वेतिमा लिए हुए होती है, श्वेत होती है, हर तरफ रोशनी फैली होती है। तो कवि ने ये कहा कि सफटिक रूपी शिलाओं से सुधा मंदिर, अमृत रूपी मंदिर का निर्माण किया गया है। और उदधी दधी कोसो अधिकाई उमगे अमंद। तो यहाँ पर उदधी होता है सागर, दधी मतलब दही, अधिकाई अधिक मात्रा में उमड़ पड़ा है, और अमंद जो कभी भी मंद नहीं होता है। कि एक ऐसा दही का सागर उमड़ पड़ा है जो कभी भी कम होता ही नहीं है, जो कभी भी धीमा होता ही नहीं है। तो आगे कवि क्या कहते हैं कि वो मंदिर ऐसा है कि वैसे तो मंदिर की दीवारें होती हैं, लेकिन यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि ऐसा वो मंदिर बन पड़ा है कि जिसकी बाहर से भीतर, कि बाहर से लेकर भीतर तक भीति मतलब दीवार न दिखाई दे। अब कवि देव कहते हैं कि वो मंदिर ऐसा बन पड़ा है कि जिसमें बाहर से लेकर भीतर तक कहीं भी कोई दीवार नजर नहीं आ रही है। आप क्या कवि कहते हैं, दूध कोसो फेन फैलो आंगन फरस बन, कि वहां पर जो मंदिर का फर्श है, जो मंदिर का आंगन है, उस पर क्या है, ऐसा लगता है जैसे दूध के झाग फैला दिए गए हो। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झील में नहीं होती। अब क्या है, चांद के साथ साथ वहां पर तारे भी हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं। तो उन टिमटिमाते हुए तारों से कवि ने क्या कल्पना की, कि कवि ने ऐसी कल्पना की मानो तारों के जैसी कोई युवती उसमें खड़ी होकर झील में गा रही हो। और वहां पर वो मंदिर में खड़ी है युवती, और वो युवती कौन है, वो तारों रूपी युवती है, वहां पे खड़ी हुई झिलमिला रही है। झिलमिलाना शब्द क्यों लिया, क्योंकि जैसे तारे टिमटिमाते हैं, कवि ने उसी प्रकार से युवती को झिलमिलाते हुए दिखाया है। मोतिर की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। अब कवि क्या कहते हैं कि उस नायिका के गले में जो मोतियों की माला है, उसको ज्योति मिल गई है, अर्थात चमक मिल गई है, और मल्लिका को मकरंद। मल्लिका एक प्रकार का श्वेत रंग का फूल होता है, सफेद रंग का एक फूल होता है, और मकरंद होता है फूलों का रस। तो ऐसे लगता है जैसे मल्लिका को मकरंद मिल गया हो।
आरसी से अंबर, आरसी होता है आईना, से जैसे, अंबर मतलब आसमान में, आभासी उजाली लगे कि ये जो प्रकाश फैला हुआ है, ये जो चांदनी रात का सौंदर्य नजर आ रहा है, ये आईने से अंबर में अपना सौंदर्य बिखेर रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सोप लगत चांद। तो अब क्या कहते हैं कवि कि जो यहाँ पर राधिका की तुलना चांद से करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद, कि यहाँ पर चांद प्यारी राधिका का प्रतिबिंब लग रहा है। सामान्य तौर पर जब कभी हम उपमा अलंकार में तुलना करते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष से बहुत प्रचलित चीजों से हम तुलना करते हैं, जैसे राधा की तुलना की कि राधा का मुख चांद के जैसा है, लेकिन यहाँ तो चीज ही पलट गई है। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि चांद ही प्यारी राधिका का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। तो अब इसका काव्य सौंदर्य हम देखते हैं। काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे हम, भाषा जैसा मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, शुद्ध परिवेष्टित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और छंद कौन सा है कि जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है, छंद ये हम लिखेंगे कि कवित्व छंद का प्रयोग है। दो चीजें होगी हमारी, भाषा होगी, छंद होगे। अब अलंकार देखते हैं हम। सुधारो सुधा, इसमें सवर्ण की आवृत्ति के कारण क्या होगा, अनुप्रास अलंकार हो गया। आगे हम देखते हैं प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का उल्टा कर दिया गया है, तो वो तो है व्यतिरेक अलंकार, कि जहां पर हमने राधा की तुलना चांद से न करके अभी तो चांद की तुलना हमने राधा से की है, तो यहाँ पर अलंकार होगा, एक तो अनुप्रास अलंकार हो गया और दूसरा कौन सा अलंकार होगा इसमें, व्यतिरेक, इसमें हुआ व्यतिरेक अलंकार। और क्या लिख सकते हैं हम इसमें कि इसमें चांदनी रात के सौंदर्य को कवि ने बहुत अच्छे तरीके से चित्रित किया है, और जो भी कवि ने उपमाएं ले गई है वो सभी श्वेत रंग के हैं, चाहे वो सपाटी का पत्थर ले लो, चाहे वो दही ले लो, चाहे वो दूध ले लो, चाहे वो तारों की चमक या मोती की चमक, या फिर मोती की चमक, या फिर मल्लिका का फूल ले लीजिए, आईना ले लीजिए, यहाँ पर जितने भी उपमा लिए गए हैं सारे श्वेत चीजों से लिए गए हैं। तो यहीं पर हमारे सारे काव्यांश समाप्त होते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।